एक गांव में एक तूफानी नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन तूफानी पार्क में रहता है, तभी अचानक से वहां से एक लड़की गुजरती है। उस लड़की का नाम बीभा रहता है। बीभा को तूफानी देखकर एकदम उसके तरफ आकर्षित होने लगता है और बोलता है, हेलो मैडम, अरे कहाँ जा रही हो? अरे जरा मेरी बात तो सुन लो। तभी बीभा तूफानी के पास आती है और बोलती है, ओए हेलो बदतमीज, मुझे पीछे से आवाज क्यों लगा रहे हो, क्या बात है? अरे मैडम, इतना नाराज क्यों हो रही हो? और ऐसे भी मैं आपको छेड़ थोड़ी रहा हूँ। अरे मैं तो ये बताने के लिए रोका आपको कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और आपके इतना खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। अच्छा, मेरे इतना खूबसूरत लड़की आपने नहीं देखा, क्यों आज तक अंधे थे क्या? अरे नहीं मैडम, अंधे तो नहीं थे, लेकिन मैंने सच में आज तक आपके जैसा खूबसूरत लड़की नहीं देखा। इतना सुनने के बाद विभा वहाँ से चली जाती है। अब रोजाना तूफानी पार्क में ही खड़ा रहता है कि काश विभा एक बार आए और उसे एक बार और देख ले। तभी एक दिन और विभा पार्क में आती है और तूफानी उसे देखकर बोलता है, हाय ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? अरे जरा हमें भी अपना नाम तो बता दो, उस दिन मैंने आपका नाम नहीं पूछ पाया था। तभी विभा तूफानी के पास आती है और बोलती है, अच्छा तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो यार, तुम मतलब तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है लड़की छेड़ने के अलावा? अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं, मैं आपको छेड़ कहाँ रहा हूँ, उस दिन भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ। अरे मैं तो आपसे प्यार करने लगा हूँ प्यार, और कसम से आपके इतना ब्यूटीफुल लड़की मैंने कभी लाइफ में देखी ही नहीं, इसीलिए क्या करूँ, आपके जब दर्शन नहीं होते तो मैं बेचारा दिन भर मेरा पूरा दिन खराब ही जाता है। और इस तरह तूफानी विभा को अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगता है। विभा भी अब तूफानी के तरफ आकर्षित होने लगती है और विभा बोलती है, अच्छा तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता कि तुम मेरे पास टाइम बस पास करना चाहते हो। अरे नहीं विभा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ना विश्वास हो तो आजमा के देख लो, मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। विभा को भी अब यकीन हो जाता है कि तूफानी मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, और इतना ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, मुझे इसके प्यार का परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और मुझे भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सोचकर विभा तूफानी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन विभा पार्क में रहती है, तभी तूफानी आता है। हाउ ब्यूटीफुल, कहाँ घूम रही हो? अरे कहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है, अब तुम्हारे बिना एक दिन भी काटना जैसे लगता है परसों बीत गए। अच्छा सच में? मुझे तो नहीं पता, मुझे लग रहा था कि शायद तुम मुझे भूल गई हो, और प्यार तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे घुमाने कहीं ले चलोगे तुम? अच्छा कहाँ चलोगी बताओ। अच्छा एक काम करो, मेरे घर में आज कोई भी नहीं है तो तुम मेरे घर चल सकती हो आज। और ये कहकर तूफानी विभा को मना लेता है अपने घर ले जाने के लिए, और अपने घर लेके जाता है। और वहाँ जाने के बाद, विभा तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत ही सुंदर घर है आपका, और आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माता पिता, बस हम ही तीनों रहते हैं, और मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ, मेरा ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है। सच में तूफानी तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। अच्छा सच में? और इस तरह तूफानी अपने बातों में विभा को उलझाकर अपने बेडरूम में ले जाता है, और वहाँ ले जाने के बाद उसके साथ हरकतें गंदी गंदी करने लगता है। क्या कर रहे हो तूफानी जी, प्लीज छोड़िए, मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे कब सा अच्छा लगता है, और ऐसे भी प्यार करते हैं हम लोग, तो ये सब तो जाहिर सी कॉमन चीजें हैं। और इस तरह तूफानी विभा के साथ वो हर एक काम करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब तूफानी विभा से मिलना कम कर देता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल जाता है। बिचारी विभा इधर रोजाना पार्क में आकर तूफानी का घंटों घंटों इंतजार करती, परंतु तूफानी थोड़ा सा भी उसके दर्शन के लिए नहीं आया करता था। एक दिन विभा परेशान होकर तूफानी के घर जाती है, तभी देखती है कि दरवाजे पे ताला लगा रहता है। वो अगल बगल पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि तूफानी तो यहाँ कोई रहता ही नहीं था, बल्कि उसका नाम अनिल था। अनिल विभा को गलत नाम बोलकर उसके साथ सब कुछ गलत काम कर लिया था। विभा भी बेचारी समझ गई कि ये कोई फ्रॉडिया था और मेरे साथ गलत काम किया।
तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी जरूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।